हेलो गाइस एंड वेलकम टू एड फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना रहा हूँ आपको पल्सर खरीदनी चाहिए या फिर यूनिकॉर्न, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी, आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात करूंगा मैं पल्सर और यूनिकॉर्न में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। पहली बात तो यहाँ पर आपको दोनों बाइक के अंदर 150 से लेकर 163 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। यूनिकॉर्न में बड़ा इंजन है लेकिन जो पावर है पल्सर के अंदर ज़्यादा आती है, लेकिन जो टॉर्क है यूनिकॉर्न में ज़्यादा आता है। तो आपको इनिशियल पिकअप यूनिकॉर्न के अंदर अच्छा मिलने वाला है पल्सर के कंपैरिजन में। और यूनिकॉर्न जो है सिटी के हिसाब से अच्छा चलने वाली है, लेकिन हाईवे पर क्या है पल्सर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो ये डिफरेंस रहेगा इंजन के अंदर। दूसरा कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर कंफर्ट लेवल यूनिकॉर्न का ज़्यादा रहता है, ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक यूनिकॉर्न रहती है, क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिकॉर्न में ज़्यादा अच्छी सीट्स मिलती हैं। देख सकते हैं आप, अच्छी लंबी चौड़ी और वेलकुशन सीट्स मिलती हैं आपको, और सस्पेंशन सेटअप भी अच्छा है इसके अंदर। इधर पीछे मोनोशॉक मिलेगा आपको और सामने टेलीस्कोपिक फोक। पल्सर के अंदर मोनोशॉक नहीं आता, ट्विन स्विंग आर्म आते हैं जो कि उतने खास नहीं रहते जितना मोनोशॉक खास रहता है। और मोनोशॉक एक अच्छा फीचर है जो कि पल्सर के अंदर मिसिंग है। और यहाँ पर अपराइट राइडिंग पोजिशन है, हैंडल बार थोड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है यूनिकॉर्न का, इसकी वजह से भी आपको कम्फर्ट ज़्यादा मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर। और लॉन्ग राइड में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न टूरिंग के लिए, और अगर आप ज़्यादा लॉन्ग राइड करते हैं, डेली आपकी राइड जो है 20-30 किलोमीटर की है, तब भी आपको पल्सर से ज़्यादा अच्छी यूनिकॉर्न देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कंफर्टेबल यूनिकॉर्न रहती है। अब अगली बात करूँ इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है, हेडलाइट हैलोजन है, टेल लाइट हैलोजन है, और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन वाले मिलते हैं, मतलब बल्ब के। पल्सर में भी आपको हेडलाइट हैलोजन की मिलती है, टेल लाइट LED मिलती है, बाकी सब कुछ हैलोजन है। तो यहाँ पर हेडलाइट सेटअप जो है पल्सर का हो या फिर यूनिकॉर्न का, दोनों ही उतने खास नहीं है। दोनों बाइक के अंदर आपको ज़्यादा कुछ LED वाली चीज़ नहीं मिलती, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। पल्सर के अंदर आपको एटलीस्ट LED टेल लाइट मिल जाती है। अब मीटर की बात करूँ तो पल्सर में फुल डिजिटल मीटर आ चुका है, लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर आज भी फुल एनालॉग मीटर आता है। किसी किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं आता। बाकी इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर देखने मिलता है आपको, और यहाँ पर इंजन चेक लाइट आती है नए मॉडल में, और न्यूट्रल लाइट, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं आपको। पल्सर के अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन भी आ चुका है, और पल्सर के अंदर नया फुल डिजिटल मीटर आने की वजह से आपको ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है उसका मीटर। इसका थोड़ा ओल्ड है, और पल्सर में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आ चुकी है जो कि इसके अंदर नहीं आती। यूनिकॉर्न के अंदर उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं आते जितना पल्सर के अंदर आते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न जानी जाती है इसकी रिलायबिलिटी की वजह से। यहाँ पर यूनिकॉर्न इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिलायबल बाइक मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक चीज़, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ मैं या फिर पैनल्स की बात करूँ, हर जगह आपको क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। जितने आप प्राइस पे कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी पल्सर से ज़्यादा भी अच्छी बोले तो चलेगा यूनिकॉर्न प्रोवाइड करती है। बिल्ड क्वालिटी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बाइक मेरी लगभग 4.5 साल पुरानी है, उसके बावजूद इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लाजवाब बिल्ड क्वालिटी दी है होंडा ने। होंडा ने इसके अंदर कॉस्ट कटिंग ज़्यादा नहीं की है, मतलब मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो, फीचर्स में तो अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग की है, लेकिन अगर आप पल्सर से कंपेयर करेंगे तो पल्सर के अंदर इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं आती जितना यूनिकॉर्न के अंदर आती है। और आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पल्सर की आफ्टर सेल सर्विस इससे भी बढ़िया है, और पल्सर के जो पार्ट्स हैं उनकी प्राइस भी कम रहती है। अगर इसका एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया तो आपको पार्ट्स अच्छे खासे महंगे देखने को मिलते हैं यूनिकॉर्न के अंदर, मतलब यूनिकॉर्न के पार्ट्स आप रिप्लेस करने जाएंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। पल्सर के पार्ट्स थोड़े सस्ते रहते हैं, पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी पल्सर की बढ़िया मिलती है यूनिकॉर्न के सामने। लगे हाथ राइड क्वालिटी की बात करें तो राइड क्वालिटी पल्सर से बढ़िया आपको यूनिकॉर्न से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंजन है बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड मिलता है, वाइब्रेशंस नहीं आते इसके अंदर। पल्सर के अंदर थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, और यूनिकॉर्न से कंपेयर करेंगे तो पल्सर का इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाला लगेगा, क्योंकि यूनिकॉर्न का इंजन एट द सेम टाइम कम वाइब्रेशन वाला और नो वाइब्रेशन बोले तो चलेगा, इतना स्मूथ रहता है। और पावर डिलीवरी भी आपको अच्छी मिलती है यूनिकॉर्न के इंजन से। इस पावर डिलीवरी और इस स्मूथनेस की वजह से राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है यूनिकॉर्न की। पल्सर की भी राइड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर अपन यूनिकॉर्न से कंपेयर करें तो राइड क्वालिटी आपको यूनिकॉर्न की अच्छी मिलेगी, और यूनिकॉर्न लॉन्ग राइड में भी आपको ज़्यादा अच्छी लगने वाली है पल्सर के कंपैरिजन में, क्योंकि पल्सर के अंदर क्या है फुट पेक पर, हैंडल बार पर, सीट पर, टैंक के ऊपर अच्छे खासे वाइब्रेशंस आते हैं जो कि यूनिकॉर्न के अंदर आपको महसूस भी नहीं होते। यूनिकॉर्न के अंदर वाइब्रेशंस अंडर कंट्रोल रहते हैं, कंपनी ने इतना अच्छा काम किया है इसके इंजन के साथ और इसके पार्ट्स और पैनल्स के साथ। तो ये पल्सर के अंदर मिसिंग है।
और साथ ही साथ यूनिकॉर्न में आपको माइलेज भी बढ़िया मिलता है पल्सर के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको लगभग 50 से 60 के बीच में माइलेज मिलेगा, 50 से 55 का सिटी में, और हाईवे पर 55 से 60 की एमपीएल का। तो पल्सर में क्या है, मुश्किल से 50 का माइलेज मिलता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलाने पर, और 40 से 45 का माइलेज सिटी में मिलता है पल्सर के अंदर, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर मतलब उतना कम तो माइलेज नहीं आता। यूनिकॉर्न लगभग 5 से 10 के एमपीएल का माइलेज ज़्यादा देती है पल्सर के सामने। तो आपको माइलेज भी ज़्यादा अच्छा यूनिकॉर्न से मिलने वाला है, और पल्सर से माइलेज कम मिलेगा क्योंकि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस उसके अंदर ज़्यादा है। 14 bhp पावर है, उसके बावजूद उसके अंदर माइलेज थोड़ा कम ही मिलता है आपको, और इसके अंदर 13 bhp की पावर आती है, 1 bhp पावर कम है इसके अंदर, लेकिन टॉर्क जो है इसके अंदर ज़्यादा आता है पल्सर के सामने। ये 14 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ आती है पल्सर, 13.2 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ आती है। तो यहाँ पर टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर टॉर्क ज़्यादा मिलने की वजह से आपको वेट लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है, आप ज़्यादा लोड लेके जा सकते हैं इसके ऊपर। पल्सर के अंदर उतना ज़्यादा वेट खींचा नहीं जाता जितना इसके अंदर आता है, इसकी वजह से भी इसका इनिशियल पिकअप अच्छा रहता है। और यहाँ पर अपन टायर्स की बात करें तो टायर्स की ग्रिप अच्छी आती है यूनिकॉर्न की हो या पल्सर की। पल्सर में आपको डबल डिस्क मॉडल लेते हैं तो ज़्यादा मोटे टायर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल डिस्क मॉडल लेंगे तो दोनों के अंदर सेम टायर हैं, इसके अंदर 18 इंच के अलावा आते हैं, पल्सर में 17 इंच के, और सामने आपको 80/118 का टायर मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर, और पीछे 90/118 का टायर मिलता है। 18 इंच के अलॉय व्हील हैं और अलॉय व्हील की क्वालिटी अच्छी है, कंपनी ने MRF के टायर दिए हैं, और या फिर आपको दूसरा मॉडल भी मिला तो CZ के टायर्स मिलते हैं, तो टायर्स भी अच्छे आते हैं, पल्सर के हो या इसके टायर हो सेम रहते हैं, तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता। बाकी ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स में पल्सर में आपको बढ़िया ब्रेक्स मिलेंगे इसके कंपेयर में। यहाँ पर 240mm का डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS, और पीछे 130mm का ड्रम ब्रेक, डबल डिस्क मॉडल नहीं आता यूनिकॉर्न के अंदर। और पल्सर में क्या है, दो मॉडल मिलते हैं, एक सिंगल डिस्क एक डबल डिस्क, और पल्सर के डिस्क ब्रेक का साइज़ भी बड़ा रहता है इसके सामने। इसके अंदर आपको 240mm का मिलता है, तो पल्सर में 260mm का मिलता है, और अगर आप डबल डिस्क मॉडल लेंगे पल्सर का तो 280mm का डिस्क मिलता है। तो वहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको पल्सर में ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है यूनिकॉर्न के सामने, तो ब्रेक्स यूनिकॉर्न के थोड़े पीछे रहते हैं पल्सर के सामने। अब फैमिली के हिसाब से बाइक लेनी हो तो यूनिकॉर्न कैसी रहेगी और पल्सर कैसी रहेगी, तो दोनों बाइक फैमिली के लिए अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूनिकॉर्न रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाइक के अंदर ज़्यादा फंकी लुक्स नहीं आते, ज़्यादा स्पोर्टी तरफ जाती नहीं बाइक, ये पूरी कम्यूटर रहती है इसके अंदर, हर एक पार्ट जो है कम्यूटर बाइक जैसा है। और अपन पल्सर की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत स्पोर्टीनेस होता है, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी कम आती है। जैसे कि आपको बता दूँ, पल्सर के अंदर आपको जो सीट मिलती है अच्छी लंबी है, लेकिन स्प्लिट सीट मॉडल लेते हैं आप डबल डिस्क, तो वहाँ पर क्या है, कम्फर्ट लेवल थोड़ा कम मिलता है आपको इसके कंपेरिजन में। और लेडीज़ वन साइड बैठती हैं तो वहाँ पर प्रॉपर साड़ी गार्ड भी नहीं मिलता, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर प्रॉपर आता है लेडीज़ फुटरेस, लेडीज़ आराम से बैठ सकती है, और चेन कवर जो है इसका क्लोज रहता है। पल्सर के अंदर ओपन चेन मिलती है डबल डिस्क मॉडल में, और यहाँ पर साइलेंसर के ऊपर भी आपको एक प्लेट देखने को मिल जाती है सिल्वर कलर से। ये तो थर्ड सीट या फिर ट्रिपल सीट राइड करते हैं तो वो भी बंदा उसके ऊपर पैर रख सकता है, साइलेंसर के ऊपर रख के पैर चलाना, तो उससे अच्छा ऐसा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ दी थी होंडा ने, जो कि अपने पल्सर के अंदर नहीं आता। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और यहाँ पर क्या है, यूनिकॉर्न में ग्राउंड क्लियरेंस 187mm का मिलता है, 187mm का, पल्सर में इससे कम मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 165mm का रहता है। अगर आप खेत में चलाना चाहते हैं बाइक तो आप पल्सर आराम से नहीं चला सकते जितना ये आराम से चला सकते हैं। नीचे आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। बड़े बड़े गड्ढों में भी ये बाइक आराम से निकल जाती है, लेकिन पल्सर में नीचे मार लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर नीचे की भी बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, उसकी वजह से भी आपको ज़्यादा इसके तरफ ध्यान देना चाहिए पल्सर के कंपैरिजन में। और बिल्ड क्वालिटी भी यूनिकॉर्न की बढ़िया रहने की वजह से क्या है, थोड़ा रफ़ टू यूज़, मतलब रफ़ यूज़ के लिए भी यूनिकॉर्न अच्छी रहती है पल्सर के सामने। पल्सर रफ़ यूज़ के लिए उतनी अच्छी नहीं रहती जितना यूनिकॉर्न रहती है। पल्सर के पार्ट्स जल्दी टूट सकते हैं, और पल्सर में माइलेज बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करके पल्सर को भगाएंगे तो आराम से वो 35 का ही माइलेज दे सकती है, और यूनिकॉर्न में आप भगाएंगे भी तो आराम से ये 45 का माइलेज देगी। तो यहाँ पर 5 से 10 के एमपीएल का माइलेज आपको यूनिकॉर्न के अंदर ज़्यादा ही मिलेगा। अब मैं कंक्लूजन पर आऊँगा, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, लुक्स भी फंकी चाहिए, तो आप पल्सर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली मैन हैं, फैमिली के लिए अच्छी बाइक चाहिए और माइलेज अच्छा चाहिए, प्रैक्टिकल बाइक चाहिए और फैमिली पर्पस फुलफिल कर सके, तो यूनिकॉर्न बेटर रहेगी आपके लिए। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तब भी माइलेज चाहिए तो तब भी आप यूनिकॉर्न की तरफ जा सकते हैं। मैं ज़्यादा यूनिकॉर्न को ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यूनिकॉर्न के अंदर आपको रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है, माइलेज अच्छा मिलता है, इंजन अच्छा स्मूथ मिलता है, और आपका फ़ायदा हो ऐसी मैं डील बताता हूँ। बाकी दोनों बाइक के अंदर सिर्फ 1000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, पल्सर 1,38,000 में आती है, ये
1,39,000 रुपये में आती है। और ये 1,39,000 रुपये में एक अच्छा प्रोडक्ट लगता है मेरे को होंडा ब्रांड की तरफ से। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज़ आज की वीडियो मैंने आपको बजाज पल्सर लेना चाहिए या फिर यूनिकॉर्न लेना चाहिए ये सब बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।